लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने जोरदार भाषण के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने राहुल गांधी के भाषण की तारीफ की है। सदस्यता बहाली के बाद पूरे देश में उत्सुकता थी कि राहुल गांधी लोकसभा में आकर भाषण दें। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की कलई खोल दी है। कलई खुलने से बीजेपी सरकार सदमे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता का पलटवार महज खिसियाहट पर है। राहुल गांधी जी ने आज बहुत अद्भुत भाषण दिया है और जो देश सुनना चाहता था, जिन जिन मुद्दों पर देश चाहता था कि राहुल गांधी बोलें, और राहुल जी की सदस्यता रद्द करने के बाद से बहाल होने के बीच का जो समय है, पूरा देश जो है इस बात को लेकर उत्सुक था कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आएं और बोलें। और राहुल गांधी जी ने आज बोल करके पूरी भाजपा सरकार को कि जिस तरह से कलई खोली है, भाजपा शॉक्ड है। और अब चाहे स्मृति ईरानी जी हो या कोई और बोले, सीधे सीधे बस उनकी खिसियाहट झलकेगी, शब्दों में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। राहुल गांधी जी ने आज मणिपुर की एक एक पीड़ा को आवाज दी है। सैल्यूट राहुल गांधी जी को। मैं गैलरी में बैठ के कम से कम 15 सांसद 20 सांसद गैलरी में बैठ के राहुल गांधी जी को आज सुन रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे का जिक्र किया। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी के मुताबिक राहुल गांधी ने मणिपुर की एक एक पीड़ा को आवाज दी। उन्होंने भाषण पर राहुल गांधी को सलाम कहा। बता दें कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे। भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से करने के बाद राहुल गांधी मणिपुर मुद्दे पर बोलने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर का अब तक दौरा नहीं करने पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी से पहले मायावती की पार्टी का कहना था कि राहुल गांधी मणिपुर हिंसा को जोरदार तरीके से उठाने में चूक गए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस नेता से भी मणिपुर में जातीय हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की ज्यादा उम्मीद थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।